पिला रहे, ला रहे बेटा, ला रहे है ना, ला रहे, ला रहे हैं। हाँ भूखी लगी है, सो रहे थे ये लोग वहां पे। हाँ अभी ला रहे, ला रहे, ये इनकी मम्मी है। हाँ ला रहे, ला रहे, ला रहे बेटा, ला रहे है ना, ला रहे। तुझको कैसे हो आप सब लोग, बताओ बताओ मैं क्या शो ऑफ करूँ, नहीं बताते, मैं बताती। माय नेल पेंट मैंने ये लगाया, और हमारे यहाँ बादल आवाज कर रहा है, लेकिन किधर से खुला है किधर से बंद है कुछ समझ नहीं आ रहा। आज 4:30 बज रहे हैं, धूप धूप तो दोपहर से ही आ रहा है, हवा भी चल रही है, हवा लग नहीं रही है चलने वाली, पता नहीं क्या है। दिस इज माय नेल पेंट, कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके बता। ओके आवाज आ रही है, ऊपर अच्छी आवाज आ रही है, समझे। और मेरा ब्लड टेस्ट हो गया है, रिपोर्ट्स कल लूंगी, कल अजीब ही बात रही है। अच्छा मैं ये यहाँ रख गई थी, देखो नेल पेंट लगा के भास्कर यहाँ रख गई, पता ही नहीं। मेरा ब्लड टेस्ट हो गया है, मैं दिखाती हूँ, देखो बिलीव नहीं करेंगे ना, बहुत सारे लोग, सबूत देना पड़ता है हर चीज का, देख रहे हो निशान। ब्लड टेस्ट हो गया और अभी यूरिन टेस्ट भी हो गया, कल रिपोर्ट्स आएंगी मॉर्निंग में, तो हम आपको बताएंगे और डॉक्टर भी चेकअप करेंगे तब पता चलेगा एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुआ है। एंड बादल से ही आवाज आ रही है, चलो चाय बना लेते हैं, यानी कि पापा आने वाले हैं, चलो चलते हैं। 5 तो अभी बजे नहीं है, बट बजने वाले हैं, तो उससे पहले चाय बना लें, टैनी को उठाना है फिर, ठीक है। बाप रे बाप, बड़ा जोर से बादल लगा रहा है, सुन रहे हो ना आप, मैं ये निकाल देती हूँ, कुछ पता नहीं है भैया कब बरस पड़े। मतलब ऐसा लग तो नहीं रहा, पर आवाज़ दूर हो जा रहा है बहुत। पता है मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आज मैंने थोड़ा सा ना लेट हो गई थी एक्चुअली, मैं वहाँ से ब्लड टेस्ट कराने चली गई, और फिर मैंने भी आ गई नहीं थे, पहुँच गई थी वो कॉलेज गई थी, वो भी पहुँच गई थी, बोली कैसे लेके जाओगी एक हाथ से ब्लड लिया, तो फिर क्या बोलते हैं हम लोग आए वहाँ से, लेट हो गया था, तो आज टैनी को लेट ही खाना खाया, लेट ही सोई है, बट फिर भी उठाना तो टाइम से पड़ेगा, नहीं तो फिर रात को लेट सोएगी। और चलिए चाय बना लेते फटाफट, दिल है छोटा सा छोटी सी आसा, मस्ती भरे लम्हे बोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, दिल छोटा सा छोटी सी आशा। मच्छर, चलिए चाय बनाते हैं। सुबह मैं जा रही हूँ डॉक्टर से मिलने, और 10 को स्कूल भी ड्रॉप करना है हमें, सो ये देख सकते हैं आप लोग मैंने साड़ी वेयर करा है, क्योंकि करना पड़ेगा अर्जेंट, में ना नहीं करती मैं, सो मैं जा रही हूँ। और पापा नीचे निकल गए, पापा यानी कि टैनी के पापा, मेरे पापा नहीं, टैनी के पापा, टैनी का स्कूल बैग, क्योंकि लेट हो जाएगा फिर हमें वहाँ से आके, टैनी स्कूल मिस कराना कोई फ़ायदा नहीं है, घर पे ही रहेगी वो। हाँ आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ मैं, चलो चलो सही है।
नहीं तो लगी रही आ रही, मैं चल रही, चल रही, मैं चल रही, मैं चल रही। लो बैग पकड़ो अपना, बैग पकड़ो, चल रही। गुस्सा, पापा चले गए ना तो गुस्सा दिखा रही है। नोबी बाय, मम्मा आ रही है। मुझे इसके डॉगी मिल गए, कल नहीं मिले थे, आज मिल गए। अभी इनको बोला है मैंने ब्रेड लाने के लिए, ब्रेड लेने गए। ये टू डॉगी है। ओ ओ, अभी ला रहे, ला रहे बेटा, ला रहे हैं ना, ला रहे, ला रहे हैं। हाँ, भूखी लगी है, सो रहे थे ये लोग वहां पे। ओ अभी ला रहे, ला रहे। ये इनकी मम्मी है। हाँ, ला रहे, ला रहे, ला रहे बेटा, ला रहे हैं ना, ला रहे। ला रहे हैं, अभी ला रहे हैं, आज मिल गए फाइनली। मैंने ढूंढी वहां पे बैठे तो मुझे लगा था आवाज आती तो होंगे यहीं पे। हाँ ला रहे हैं। तेनू देखेगी तो खुश हो जाएगी, इनको तेनू देखेगी तो खुश हो जाएगी। तेनू बोले घर ले लो, पर घर नहीं ले जा सकते क्योंकि तुम्हारी मम्मी तो है ना तुम्हारे पास में, इसलिए नहीं ले जा सकते तुमको घर। मम्मी नहीं होती तो ले जाते हम, है ना, मम्मी नहीं होती तो ले जाते हम दोनों को घर पे। हाँ, ओ मम्मी नहीं देती है खाने को, ले ले, ले कहाँ जाने नहीं, ले ऐ जाना नहीं। मैं आ जाऊँ, तुम इसमें ही रहते हो। अच्छा, ये लोग मुझे लगता है इधर से निकल नहीं पाते क्योंकि ऊंचा है ना ये। मम्मी के पीछे भाग गए वहां पे कि मम्मी गई ना वहां से, ले ले गई उधर। ए जी इधर से आ गया, ये भी वही है। अच्छा, ये इधर से घूम के आई है आई थिंक। नहीं, ये सब एक ही जैसे हैं, वो नहीं है ये। आई थिंक इसके बेबी हैं क्या? हाँ इसके हैं, उसके नहीं है। मेरे भी हाथ है यंगी। सैनिटाइजर या वो नहीं है ना, कुछ ऐसे नॉर्मल किसे खा लो। हट जा, जब उधर डाल दो ना एक दो आराम से। हेलो, ये लोग निकलना पाते बाहर मालूम है, क्योंकि दीवार है ऐसे क्रॉस नहीं कर पा रहे, उधर ही रहते हैं ये। आई थिंक यहीं पे पले बड़े हैं। हाँ, तेनू खुश हो जाएगी, तेनू भी दिखा के ले जाएंगे। ये अकेले ही घर है तक, मुंह में दो छोटे वाले हैं। चाय कितने भूखे हैं, ये दूध देती नहीं होगी। बदमाश मम्मी, हाय बदमाश मम्मी, तो बदमाश मम्मी है। ये दोनों दोनों को दे, हट ले, आ ले, ए मारूंगी, खाने दे बच्चन को, खाने दे रही। चलो हाथ धो लो तुम अपने, चल बाद में देंगे, ठीक है। कौआ ने देते तो ऊपर से वो लोग भी आते, मालूम है कौआ चिड़िया चिल्लाते हैं बहुत तेज, अगर मैंने कुछ डाली नहीं है। मैं कौआ को डाल देती हूँ, वो कौआ गलगलिया, वो लोग आती हैं रोज मांगती हैं, नहीं दूंगी ना, इतनी गंदी तरीका से चिल्ला चिल्ला के ढेर मचा देंगी, उन लोग को डाल देती हूँ। चलो दे दे रही, टैनी को लेने जानी है। जी निकल ना पा रहे बाहर, जी सिर्फ दूध ही पी के रहते हैं बेचारे, दूध तो देने नहीं चाहिए। अरे हाथ बस सब चल जाएंगे, तुम नहाए नहीं है ना, चलो एक गंदी बच्ची। एक काम करूंगी जी, रोटी खा लेते हैं लोग तो शाम को एक्स्ट्रा एक रोटी बना दे करूंगी, एक दो। ओके गाइस, सो आप लोगों ने देखा डॉगीज को पीछे कितनी क्यूट थे, कौं 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 कर रहे थे, और टैनी भी जब आई मैंने उसको दिखाया, टैनी बहुत पीछे, देखो कितने छोटे छोटे डॉगी थे, कैसे कर रहे थे, कौं 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 कौं।
ऐसे कर रहे थे। और उनकी माँ तो माँ होती है, इसलिए माँ है इसलिए मैं नहीं ली उनको। अगर मम्मी नहीं होती तो मैं एक बार वो सोचती उनको उठाऊं, क्लीनिंग कराऊं, उनके सब कुछ कराऊं। उनको कीड़े वीड़े भी लगे हुए हैं उधर में, वो है। मैंने एक बार को सोचा कि उनको इधर कर दें, पर नहीं, वो एक तो चल फिर सकते खूब अच्छे से, और उस गड्ढे में है ना तो ये उधर ही उधर रह रहे हैं, बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पा रहे। क्रॉस करेंगे, बाहर निकलेंगे, रोड पे जाएंगे तो मर मर आ जाएंगे। मैंने कहा इनको यही रहने, तो खाना पीना मैं रोज दूंगी इनको, शाम को दे दिया ब्रेड, दे दिया रोटी बना दिया या कुछ दे दिया, एंड ये सब चीज करूंगी, देखते हैं ठीक है। इनके नाम भी रखेंगे, चंगू मंगू नाम रखेंगे दोनों के, ये लड़के हो जाए। सो मैं चलिए आपको दिखा देती हूँ मेरा रिपोर्ट। ए लड़की बता, बजा मत बजा, मैं वीडियो कर रही हूँ ना बेटा, मत बजा ना प्लीज। पीछे बैठा लो इसको, पीछे बैठा लो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताने जाऊंगी, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे उत्तरपाड़ा में उगली में ए साइड में मोहमाया हॉस्पिटल जो है बेस्ट हॉस्पिटल है बेबीज के। मैंने मेरी ट्रेनिंग भी वहीं पे हुई थी, बजट के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो मेरी जैसे, तो आप बजट के अकॉर्डिंग वहाँ पे जा सकते हो, बहुत अच्छा है। एंड डॉक्टर का नाम मैं सजेस्ट करूंगी जिनको मैं दिखाया, एंड उन्होंने मुझे बस एक बार वो क्रीम दी और मेरे को मतलब रिलैक्स हो गया, सब कुछ ठीक होने लगा, और रिपोर्ट भी कराई, और रिपोर्ट का भी खर्चा कोई ज्यादा नहीं आया, बहुत ज्यादा बजट में बता रही हूँ, बहुत ज्यादा बजट में आया है। सो मेरी ये दो रिपोर्ट है, एक है यूरिन टेस्ट की और एक है ब्लड टेस्ट की, दो ब्लड टेस्ट हुए थे। तो ये है यूरिन रिपोर्ट, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यूरिन, एंड ये है मेरी दो ब्लड टेस्ट जो होते हैं रूटीन के लिए एक और वैसे। तो दोनों ही रिपोर्ट मेरी नॉर्मल है, लाइक ठीक है। उन्होंने एक कैप्सूल दिया है वो मुझे खाना है, और दो तीन और दिए हैं दवाइयाँ तो वो है। और डॉक्टर गौतम मंडल प्राइवेट चैम्बर में भी बैठते हैं भद्रकाली, जो लोग कोलकाता के, मैं उनका बता रही हूँ जो मतलब उत्तरपाड़ा से या हुगली से या इनमोटर से इधर आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं रिसड़ा वगैरह से, तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बजट फ्रेंडली है, आपका मोहमाया में हो जाता है। उन्होंने दिया इतने अच्छे कि जो मेरा महीने भर से प्रॉब्लम चल रहा था एक दिन में सब, मैं वहाँ दिखाने गई तो रिपोर्ट्स वेरी नॉर्मल है दोनों मेरी, दोनों मैं रिपोर्ट्स में तो जानती नहीं, बट रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। एंड मैं बहुत खुश हो गई थी सुनकर, टैनी दुखी थी, टैनी को मैं तैयार करके लगी थी स्कूल के लिए, क्योंकि मैंने ये बोले छुट्टी करा दो, मैंने कोई जरूरत नहीं छुट्टी कराने की, उतने टाइम तक हमारा हो जाएगा। टैनी को स्कूल छोड़ा, टैनी को कुछ ना कुछ आवाज आती रहती, कुछ एम्बुलेंस वगैरह क्रॉस करी है। सो सुबह मैं गई, उन्होंने डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, और चेकअप करने के बाद पता चला कि सब कुछ नॉर्मल है, वो कुछ एक इन्फेक्शन सा फैल गया था, तो उन्होंने बोला आप ये कीजिए ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डरने वाली बात नहीं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। पढ़ाई ये लेगा, और मुझे इतना मतलब अच्छा लगा आज कि ये ले वो वाला मुझे दे दो, उसमें दवाई लिखी हुई है, ये ले ले। रिपोर्ट्स में वैसे कुछ नहीं करना, रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो आज मुझे एक चीज़ और कि जब मैंने पीछे डॉग्स को देखा था मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, आप लोगों ने भी देखा, डॉग्स की माँ, अब कहते हैं ना माँ माँ होती है, वहाँ उसको भी भूख लग रही थी, और वो गड्ढे में रहते सिर्फ दूध खाते हैं, उधर तो कोई खाना पीना देता भी नहीं है उन लोगों को। मेरे को आवाज़ आती थी, मैं इधर देखती थी इधर कोई डॉग नहीं दिखता था, आवाज़ आती थी किचन साइड में क्योंकि वो उधर ही रहते हैं। अब वो हम लोगों को पहचान गए हैं, तो कहूँ, अभी मैंने चावल भिजवाया उनके लिए खाने के लिए, तो ऐसे ही मैं उनको खाने दूँगी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं डॉग्स इसलिए। और घर पर हम लाएंगे, लेकिन कब लाएंगे नहीं पता, बट वो फिलहाल में उनको मैं घर नहीं ला सकती, उनकी माँ है इसलिए माँ से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि जो बिकने वाले तो वो अलग होते। और ये मेरा नोबी, तूने पापड़ खा लिया तूने, ये बहुत ज्यादा मतलब जब से जानू सोना वगैरह गए ना तब से ये इतना अच्छा हो गया, इतना मतलब सारी बातें सुनता है, बात कर रिप्लाई करता है, इसको प्यार से अगर कुछ खिलाओ तो अच्छा। वहाँ पे बर्ड आई है वो खाने के लिए, कोई स्पैरो, कौन सा बर्ड आया है उसको देख के, उसको देख रहा है ये,
उधर अभी क्रो के लिए भी खाना डाल के उनको नहीं दू तो वो भी चिल्लाने लगते हैं, तो उनको भी डाला है मैंने। मतलब इतने सारे बच्चे पाल रखे ना मैंने, मैं क्या करूँ क्या बोलूँ। सो चलिए गाइस, मुझे ये वीडियो एडिट भी करना है, 5 बजे आप लोगों के लिए अपलोड भी करना है। अभी दोपहर का 3 बजने वाला है, टेरी को सुलाना भी, बहुत सारे काम करने हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। और हाँ, ये अभी कुछ घंटे पहले का ही ब्लॉग है, जितने आप देख रहे हो उससे पहले का ही। ओके बाय गाइस, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पेंटी लाइनर की। पेंटी लाइनर का आप पिक देख सकते हो यहाँ पे, ये है पेंटी लाइनर। दिखने में तो बहुत छोटा होता है, बट इसका काम आपकी लाइफ में बहुत जरूरी हो सकता है। लाइक आप लोग मान लीजिए आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत हो रहा है, तो आपका ये वर्क करता है। लाइक आपको मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली पीरियड आ गए, तो आप इसको पीरियड को जरा सा थोड़े से, अगर आप बाहर हो और आपके पास अगर ये है ठीक है इमरजेंसी में, तो ये आपकी हेल्प करेगा। ज्यादा देर नहीं रोक सकता है, बट आपकी हेल्प कर सकता है। एंड किसी किसी को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, वहां पे भी वो करता है। एंड अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हो कि मेरा डेट कब आने वाला है, आपको नहीं पता है, कभी भी आ सकता है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। सो प्लीज, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, मेक श्योर करना ही चाहोगे, क्योंकि इतनी अच्छी चीज है। तो ये मैं बात कर रही थी एवरटीन के पेंटी लाइनर के बारे में। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, सो प्लीज चेकआउट करना मत भूलिएगा। ओके सो चेक कर लीजिएगा।